एक और चीज जो ये मैं तीन तीन अब तक 2 महीने क्लास में प्रॉब्लम दे दी, क्लास में प्रॉब्लम 1 और 2, ठीक है। सो 2 में 6 क्वेश्चन है, पहले वाले में ज्यादा है, आई थिंक 10 है, ठीक है। तो इसके लास्ट 2 क्वेश्चन शायद आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, एक बार ग्रुप में चेक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन 9 एंड 10 उसको एक बार कर लो, क्योंकि जो आज मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड है, एंड क्वेश्चन 6 भी। सर ये आपका कौन सा शीट का है जो आपने वो सेकंड लास्ट शीट दिए थे, मतलब ये मतलब कौन सा लास्ट शीट दिए थे? सर नहीं ये कौन सा शीट का है, मतलब देखो, पहले सबसे एक दिया था क्लास में प्रॉब्लम्स 1, फिर उसके 2 दिया था, 2 में 6 क्वेश्चन थे, एंड 1 में 6 से आते थे, आई थिंक 10 क्वेश्चन, तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन है मैंने बाद में अपडेट करके ऐड किया था, तो एक ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, इसको एक बार कर लेना, ठीक है। यस 9 एंड 10 ये सोलेनोइड से रिलेटेड है, एंड ये वाला भी लास्ट क्वेश्चन टोराइड से रिलेटेड है। आज पढ़ेंगे तो आपके इजी हो जाएगा बेसिकली। ओके सर। सो लेट अस बिगिन द क्लास। आप मतलब आप एक मिक्स्ड असाइनमेंट भेज सकते हैं, मतलब एडवांस और मेंस का? मिक्स्ड असाइनमेंट यस सर। किसके लिए? टॉपिक हाँ ये वाला चैप्टर के लिए। ईएमआई के लिए मिक्स्ड असाइनमेंट चाहिए? मिक्स क्यों चाहिए? मेंस एडवांस अलग अलग नहीं चलेगा क्या? हम पूछ रहे मिक्स क्यों चाहिए आपको? नहीं मतलब प्रैक्टिस के लिए। अच्छा ठीक है, तो एक भेज देता असाइनमेंट आपका, आपका डिमांड है, थैंक्स। ठीक है। क्लास होने के बाद भेज देंगे एक तो असाइनमेंट। ओके तो शुरू करते, वेट नहीं करेंगे, लेट हो रहा है अभी। तो ठीक है, तो लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट जो थ्योरी क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे ई इंड्यूस्ड के बारे में। ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू -BLV फॉर अ रॉड, देन वी स्टडीड अबाउट ई इंड्यूस्ड ड्यू टू अ रोटेटिंग रॉड, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, एंड एक डिस्क के बारे में भी हमने देखा था जो मैंने होमवर्क दिया था आपका, ठीक है। तो इस केस भी हमारा BR² ω/2 आता है, तो ऐसे कुछ होता है हमारा, है। तो नाउ टुडे विल बी स्टडीइंग अबाउट इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। हाँ, कुछ नया टॉपिक नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सपोज यू हैव अ वायर लाइक दिस, करंट आई फ्लो, एक वायर में करंट आई फ्लो कर रहे हैं, वी कैन से दैट if the current in this wire, if it increases or decreases, then what will happen? The flux in the wire, it will also increase or decrease, right? ऐसे होगा विंशु। यस सर। सो दैट मीन्स द फ्लक्स इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द वायर, ठीक है। सो यू कैन राइट फ्लक्स इक्वल्स टू एल इनटू आई, ठीक है। वेयर बेसिकली व्हाट इज एल? एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इज एल, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस,
this constant is called as inductance of the wire or of the coil. Okay. So ये हमारा basic concept. Now you can write here this. You can write inductance as phi by I. This is one formula which you can use. Also, if we differentiate on both sides, we can write d phi by dt. D phi by dt. Equals to L times of di by dt. That means our E induced can be written as minus L times of di by dt. So this is also a very important formula. Okay. So you can find out inductance by taking mod E induced by di by dt. Okay. So basically inductance means the ability to induce magnetic field or magnetic flux. That is called inductance. Okay. So ye hamara E induced ho gaya. So you are passing some current to the wire due to which magnetic field is produced. Okay. Now aise aap log इंडक्टेंस को निकाल सकते हैं, इंड्यूस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें? ठीक है। नाउ सपोज वी हैव द इंडक्टेंस इज लाइक दिस, फर्स्ट इंडक्टर इज shown like this. This is a combination. Okay. And second combination of inductors is like this. This is given as L1, this is L2. Inductance is L1 and L2. It is given. Okay. So we want to find out the equivalent inductance in both the cases. First is series, second is in parallel. Okay. So this is series case, this is parallel case. Okay. So how to do this? It's very simple. Potential drop across these two, let it be V. Current passing through it, let it be I. Okay. So because this is in a series connection, so you can write V as V1 plus V2. Potential drop across the entire arrangement equals to potential drop across both the arrangements. Usko add kar denge humne. Theek hai. So this V can be written as, this will be L series into di by dt minus delta. This will be minus L1 into di by dt minus L2 into di by dt. So you are getting as equivalent series inductance as L1 plus L2. Okay, ऐसा है हमारा. Now in the case of parallel, yes बोलिए. Sir, इधर मतलब series connection में आपका इधर flux अलग होगा, change in flux. मतलब हम कह सकते हैं कि एल एस डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू डी फाइव वन प्लस डी फाइव टू बाई डी टी
मींस डी फाई वन डी टी प्लस डी फाई टू डी फाई डी टी कह सकते हैं, उनकी जरूरत नहीं है ना। ओके, इन द सेकंड केस पोटेंशियल ड्रॉप लेट इट बी बी। नाउ व्हेन द करंट इज इन पैरेलल सर्किट, सो दिस करंट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आई वन एंड आई टू। ओके, सो बोथ द इंडक्टर्स विल हैव सेम पोटेंशियल ड्रॉप V, but they will have different currents. We can write I as I1 plus I2. Right? So I can write as this will be minus L parallel into di by dt. I1 we are like that. Okay, you don't think. Okay. आई एस तो ए इंड्यूस्ड हो गया। आई को देख सकते हैं आप फाइव बाय लिख सकते हैं, जैसे लिख फाइव बाय एल पैरेलल इक्वल्स टू फाइव बाय एल वन प्लस फाइव बाय एल टू। राइट, हो जाएगा वन बाय पैरेलल इंडक्टेंस इक्वल्स टू वन बाय वन प्लस वन बाय टू। ओके, ऐसा है हमारा। तो दे द केस ऑफ सीरीज, दे द केस ऑफ पैरेलल इंडक्टेंस। ओके, नाउ इसको याद कैसे रखना है? अभी तो बहुत कैपेसिटर भी पढ़ लिया हमने, इंडक्टर भी पढ़ लिया, रेजिस्टर भी पढ़ लिया, तो इसको याद कैसे रखे जी? ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और रजिस्टर ऐसे कुछ दिखता है? ठीक है, इंडक्टर भी कुछ ऐसे दिखता है? दोनों सिमिलर सिमिलर दिख रहे हैं ना? They'll behave also similarly. So as a series mein resistance ka hota hai, waisa series mein inductor ka hoga. And parallel mein jaise resistor behave karta hai, that way inductor will also behave parallelly. ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, दिमाग को रखिए, अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडक्टर्स एंड इंडक्टर्स का बेसिक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ऐसा है जी हमारा। ये सबको क्लियर है कि नहीं जी? यस क्लियर है एवरीवन। यस ओशी, यस। अच्छा, इसमें मैं फ्लक्स दिखाना बोल, फ्लक्स थोड़ा दिखा देता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ है हमारा। सो दिस इज द केस ऑफ इंडक्टेंस। सो दिस टाइप ऑफ इंडक्टेंस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, द फ्लक्स इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द करंट इन इट्स ओन वायर, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ये हमने पढ़ लिया बेसिक। इसके बाद एक और टाइप का इंडक्टेंस होता है। सपोज यू हैव अ वायर लाइक दिस और अ कॉइल, कॉइल बोलेंगे इसको, दिस इज अ कॉइल एंड दिस सेकंड कॉइल। ओके, सो दिस साइड इज कॉल्ड द प्राइमरी साइड from where we are giving the power or the current. This will be primary current and this is the secondary coil. Okay, and this is called a secondary current. Okay, secondary current to temporary
Now what will happen? ये थोड़ा carefully देखना. So if I increase the primary current, so due to this what will happen? The flux to this coil will increase, magnetic field will increase. Okay, sir. So magnetic field will be passing like this. So as current through primary circuit is increasing, the flux through primary circuit, this will increase, right? But now due to this, one more thing will happen. Because flux through the primary circuit is increasing, the secondary circuit also gets magnetic field due to the first coil. So this magnetic field is produced by the primary coil and it is affecting the secondary coil also. So it is inducing flux in secondary coils, right? So now we can say that if it decreases, then it will decrease. This will also decrease. Okay. So we can say that the flux in the secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil. Okay. So secondary coil mein aur flux hai. मैग्नेटिक फ्लक्स वो प्राइमरी कॉइल या करंट की प्रोपोर्शनल है, ठीक है. एंड बीच में ये वाला स्टेप आता है, ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज एम इन टू आई पी. बट अगेन एम इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज रिटन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. With the mutual inductance. ऐसा है हमारा. Again, you can do the same thing जो हमने inductors के लिए किया था. We can write phi s by dt equals to m into dip by dt. That means you can write use EMF equals to minus N into dIP by dt. This is very, very important. Okay. So in magnetic, we can write the value of M also. Mod of E induced by dIP by dt. This is a copy of the formula. Use the table, sir. Okay. So this is about the mutual inductance. So ये inductance को हम mutual inductance बोलते हैं. क्यों mutual बोलते हैं? Because वो है इसलिए. Inductance. समझ आ गया जी सबको? सर एक बार आप फिर से बता देंगे? क्या बताएंगे? यही वाला आप मुझे बताएं. क्या बताएं? म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन. हाँ, ये तो म्यूचुअल इंडक्टर से तो है. हाँ सर, वही समझ नहीं आया. अरे सर, पीटीएम चल रहा था स्कूल में, इसलिए ज्वाइन. ठीक है. सो अगर करंट इंक्रीज करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज करेगा प्राइमरी कॉइल से. Yes, उसके बाद सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उधर. सो ये फ्लक्स को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एम डालेगा. दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. ओके सर, इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर रहे हैं. अरे क्यू लिख दिया, फाइव हो गए. ठीक है,
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें. हेलो, समझ में आ गया? अविंशु, अविंश, अविंशी. यस यस सर. गलत तो ऐसा है. ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं ये चीज. सर ऊपर का वो डायग्राम थोड़ा दिखा सकते हैं? हाँ, क्या हुआ बोले सर? वो फ्लक्स का डायरेक्शन. फ्लक्स का डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन थोड़ी होता है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहे क्या? हाँ, वो तो राइट हैंड कर्व लगा देंगे तो आ जाएगा. मेरे हिसाब से ऐसे कुछ होना चाहिए. हाँ, ऐसे ही होगा. ठीक है, ठीक है. तो अविंशु, अरे ऐसे यस ओके, हो गया हमारा फ्लक्स. अब एक और काम कीजिए, देख लेते कितना बज रहा है जी. ओ, बहुत टाइम है आज, क्या बात. ठीक है, एक और चीज देख लेते. सोलेनाइट, सोलेनाइट तो देख लिया हमने पहले से. आरटीसी के इसके ऐसे इंडक्टेंस क्या होता है हमारा? ठीक है, तो मान लो आपका सोलेनाइड कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसमें कुछ है क्या? ठीक है, तो मान लो मेरा सोलेनाइड दिया हुआ है ऐसे कुछ, बड़ा सा सोलेनाइड दिया हुआ है. ठीक है, let this be the length of the solenoid L. इसका एरिया मान लो A है. ठीक, करंट सो इट इज I. ओके, ना सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे ऑब्वियसली. तो सेल्फ इंडक्टेंस लिख दो. If the current I is flowing through the solenoid, we can write the flux through the solenoid can be written as B dot A, right? So magnetic field will be pointing like this. This is the magnetic field. This can be written as B into A. अच्छा, एक चीज इम्पोर्टेंट है, फाइ को आप लिख सकते हैं, देख कैपिटल फाइ है हमारा, सो एक चीज हम कैपिटल फाइ स्मॉल फाइ डिस्कस किए थे. We have capital phi and small phi. So capital phi क्या होता है, किसी को याद है? Sir, net flux due to the means total number of turns. And small phi? सर पर यूनिट टर्न के लिए जो फ्लक्स होगा. या वेरी गुड, सो टोटल फ्लक्स फाई कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू स्मॉल फाई. ठीक है, इसलिए फैराडेज लॉ भी आप ऐसे याद रखे, ई इंड्यूस इक्वल्स टू हमारा होता है माइनस डी कैपिटल फाई बाय डीटी. याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा आपसे. ठीक है, so this can be written as n times of B into A. So magnetic field can be written as mu naught n I into area A. ठीक है, now the definition of inductance is flux phi by I. So this can be written as mu naught into n into small n into a
कुछ आ रहा है? ठीक है, तो ये बीच में अच्छे से लिखते थोड़ा। तो द इंडक्टेंस एल कैन बी रिटन एज फ्रॉम दिस फॉर्मूला, दिस इज म्यू नॉट, सॉरी। तो बहुत सारे फॉर्मूले लिखूंगा अभी एक वन बाय वन जो इससे डेरिव होगा हमारा। दिस कैन बी रिटन एज एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाय एल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। ठीक है ना, इसको अब याद करेंगे, उसको याद रखना है आपको। कंपेयर इट विद द कैपेसिटर आल्सो, कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जहाँ पे ए हमारा एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का, एंड दिस इज डिस्टेंस डी, एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। ऐसा होगा, सिमिलर है, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जब म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा पॉइंट है बट काम आ सकता है। ठीक है, और क्या है, यू कैन से दैट दिस इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। ठीक है, or you can write the inductance as mu naught into n square a into l, aise likh sakte hain, or you can write inductance per unit volume as mu naught into n square। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं जी, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं, ये जगह म्यू नॉट इनटू एन स्क्वायर इनटू ए। सर आपने एल बाय वी डॉट एल, वी डॉट एल नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम, और कुछ लिख सकते हैं क्या? ठीक है, आई थिंक इतने काफी अभी के लिए, कुछ और आता है तो बता देंगे। सो दे द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, ठीक है, कोई भी सोलेनोइड है आपको उसका आप इंडक्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। तो याद कैसे रखना है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैपेसिटर जैसे होता है। ठीक है, ओके, ये क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें, सब क्लियर है? तो यस यस सर, अविंग शुड क्लियर अच्छे यस सर। तो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, ठीक है सर, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, एक और चीज देख लेते हैं, कुछ और है कि हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं? ओके चलो एक और चीज देख लेते हैं, अभी देखते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ टोराइड। ओके सो टोराइड का थोड़ा देख लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे करेंगे जी इसका। सपोज यू हैव अ टोराइड लाइक दिस, एक्चुअली ये तो खुद से करेंगे तो अच्छा है, फिर टोराइड हमारा ऐसे कुछ होता है,
So radius it is vr1, and outer it is vr2. अभी आपको इसके थ्रू इंडक्टर्स निकालना है, ठीक है? तो मान लो करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहे हैं आउटसाइड द प्लेन, यहाँ पे इनसाइड द प्लेन, कैसे करेंगे इसको जी? हाउ विल यू डू दिस? Basically, you have to find out the relation between flux and current. Flux equal to L into I, like, yes, that L will be inductance. Okay. Now, in this case, flux ka direction kya hoga? Achha, magnetic field, sorry, magnetic field ka direction hai. Magnetic field will be inside like this. Yeah, outside the plane hoga. Current to coil ke through hoga. To hata diya uska. तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे इसको, ये बता दो हमको. हाउ विल यू ट्राई टू फाइंड आउट द फ्लक्स? यस, फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अरे कोई अच्छे क्लास सर सब हस्बैंड तो ये है तो सब लोग क्लास में यस सर भैया अच्छे की हाँ बोल बेन फ्लक्स कैसे निकालेंगे फ्लक्स? बताइए. हाँ बोलिए सर. एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ सर फाइ इक्वल्स टू बी ए कर ले सर. फाइ इक्वल टू बी ए. हाँ ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है किसी को? टोरेट के वैसे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इनटू एलएन ऑफ बी बाय 2 की 4 एक बार देखना पड़ेगा. सही लिखा ना? की 4 एक बार देखना पड़ेगा. देख लेते चलो. हाँ जी तो बहुत बेसिक सर. 2πr. 2πr है क्या? यस सर. सर पर दैट ln b by ln r 2πr होना क्या आपका? क्या बोल रहे जी? यही तो है सर. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो देख सकते हैं सर. फॉर्मूला तो म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर था. म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर वो एलन नहीं था क्या? एलन किस में आता है? कहीं तो लॉग भी आता है ना. ठीक है, लॉग वाला शायद उसमें होगा, कैपेसिटर में होगा. ठीक है, सो इट इज म्यू नॉट एन एम बाय टू पाई आर. ठीक है, वेरी गुड. सो मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा चेंज हो रहा है आर के साथ. तो अगर आप आर डिस्टेंस में एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो एक एलिमेंट ऐसे हो जाएगा. होगा कि नहीं? इज रेडियस आर. बड़ा कर देते इसका. ठीक है, एलिमेंट ऐसे हो गया हमारा.
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट इज वेरी, अगर आर पास में यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, अगर दूर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए में तो मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है ना, राइट? यस, इफ फ्लक्स इक्वल टू बी इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, तो कैसे करेंगे इसको सर? बताइए, थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो लेट द डिस्टेंस बी आर, इसका थिकनेस मान लो थोड़ा डी आर है. ओके, सो फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द फ्लक्स ड्यू टू, इसके इसको हम इंटीग्रल डी फाई लिख सकते हैं. थोड़ा बड़ा दिखा देते ताकि क्लैरिटी होगा. कुछ होगा? ओके, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ डी फाई. द फ्लक्स ड्यू टू दिस वायर और ड्यू टू दिस एलिमेंट ये हो जाएगा बी इंटू डी है, राइट? यू कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू at this distance, this will be mu naught Ni by 2 pi r into dA. dA will be this area, yellow area. Okay. So this thickness is dr, one less ka height h. This can be written as h into dr. Solving this, you'll get the answer r varying from r1 to r2. इसलिए म्यू नॉट एन आई एच बाय टू पाई इंटीग्रल आर डी आर जगह एल एन आर, इसलिए एन एर ऑफ वो एल एन यहाँ आता है, गलत याद कर लेता हूँ. फ्लक्स हमारा ही आ गया, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इंडक्टर्स ऑन द टोराइड एज म्यू नॉट एन एच बाय टू पाई एल एन ऑफ आर टू बाय आर वन. ठीक है, अभी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है इन दैट सेंस, बट यू शुड नो हाउ टू डिराइव. कोई टोराइड का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं इसका. ठीक है जी, चलो क्लियर है तो कि तो ऊपर से आ रहे हैं. सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड मतलब ठीक है, उतना पूछते नहीं है, सोलनर ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो ऐसा है हमारा. इज दिस क्लियर नविंग शो Aishi? Yes. Yes, sir. अच्छा तो अच्छा, और क्या बच गया अभी? बचा है क्या अभी और? ये हो गया. हाँ, थोड़ा तो एनर्जी का भी देख लेते हैं. आप लोग ले पाएंगे क्या अभी कि बस हो गया सर? ज्यादा कंसेप्ट्स थोड़ा एनर्जी कंसिडरेशन देख लेते हैं. तो अगर कोई सोलेनोइड है या फिर कॉइल है उसमें एनर्जी का कैसे होता है? तो मान लो हमारे करंट कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास, करंट इज आई, लेंथ इज एल, एरिया ए. ठीक है, now the power emitted by this will be e times of I, where e is the emf across it and I is the current across it. ठीक है, so power distributed can be written as dw by dt, can be written as e, can be written as ldi by dt into I. ठीक है, we can cancel this dt dt, we can find out the network then as integral dw, जगह integral l into I into di. ठीक है, so this work done will be stored in the form of
इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जो वर्क हो रहा है इस इंडक्टर पे, कॉइल पे, उससे क्या होगा कि इट विल स्टोर एनर्जी. ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल कैरी एनर्जी. अरे बाप रे, बहुत गंदा डायग्राम था. सो मैग्नेटिक फील्ड कैरी एनर्जी, विल कैरी एनर्जी. मैग्नेटिक फील्ड हो गया. सो वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो आप इस एनर्जी को लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो जगह हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर. ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, नाउ ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद आएगा. पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, वैसे कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे भी. Now you can write inductance as phi by I. इसको लिखते हैं half of phi into I भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं half of phi square by L, phi square by L. सबसे important formula ये. If you understand this, remember this, तो आपका बाकी भी हो जाएगा. Okay. So ये हो गया हमारा potential energy stored in an inductor और कॉइल. ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है. एक और चीज देख लेते थोड़ा सा. नाउ इफ यू टेक दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे. सो दिस इज हाफ ऑफ फाइव इंटू आई, फाइव ऐसे होते हैं. Half of phi into I divided by one we expect the area into L. ठीक है, now you can write phi as mu not into N I into I by L. तो अच्छा, नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते, गड़बड़ हो गया. आई को लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, बी इंटू ए इंटू आई बाय एल. हाँ, सो ये विल गेट कैंसिल, हाफ ऑफ बी इंटू आई बाय एल. एंड आई कैन बी रिटन एज गड़बड़ हो रहा है. हाँ ठीक है, इसको ये फॉर्मूला से निकलते. ठीक है, करंट के अंदर रिटर्न है पाई बाय एल. ठीक है, सो अच्छा एल हो गया, इसलिए हाफ ऑफ बी बाय एल इनटू आई कैन रिटर्न है पाई बाय एल. अरे जी, क्या हो गया? कोई और क्लास ले दे क्या? सब ठीक है. ठीक है, हमको डेरिवेशन में कुछ गड़बड़ हो गया. हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट फाइनल आंसर होता है. कैसे आएगा जी? ये स्टेप में कुछ गलती कर दी होगा.
This can be written as half of. Okay. चलो चलो, इसका डायरेक्शन याद नहीं आ रहा हमको. दिस एनर्जी डेंसिटी, बट ये इम्पोर्टेंट है. आप लोग ट्राई करो इसको एक बार डिराइव करने का. तो इसके लिए एनर्जी डेंसिटी के टेस्ट हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट. ठीक है, तो भी याद करेंगे तो ये हमारा कुछ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू बी स्क्वायर. ये हमारा एनर्जी डेंसिटी था कैपेसिटर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. ठीक है, सो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, ठीक, समझ आ गया सबको? कोई डाउट इसमें? इज दिस क्लियर एवरीवन? हैविंग शू प्रिया और ऐशी. सर वो ई स्क्वायर का ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होने का. ठीक है, ऐसा है. इज क्लियर ऐशी? यस सर. बोलिए तो. ओके, और कुछ बताएगा? एनर्जी भी हो गया इसका. देखो और छोटा टॉपिक है, बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कर लेंगे क्या अभी? यस, ठीक है, चलो अभी कर ही लेते हैं. आप लोग बताइए करना है क्या? ले पाएंगे? यस सर. ओके, अभी मुझे बोल रहे तो ले पाएंगे. कर दे वो. ठीक अच्छे. So we have a coil like this, in which current is flowing. So I'll be taking three coils, three different cases. Okay. In all the cases, the current is in the same direction. But in the first case, the current is constant. So if the current is constant, induced, how much will be induced? This will be zero. Because the induced equals to minus L dI by dt. So if current is constant, dI by dt will be zero. Rate of change of current. Okay. So let me call this as point A, point B. So VAB will also be zero. Okay. समझ में आ रहा है? तो we can show it like this. ये point A है. And this is an open circuit. Because there is no EMF induced, तो इसको open circuit की तरह दिखा सकते हैं. Open है, close होगा जी. Close होगा ना. And the second case it is given that the current is increasing. Okay. So hamara E induced hai, it will try to oppose the increase in current, right? According to Lenz's law. So E induced will be like this. Right. So current is trying to increase in this direction. So EMF will try to oppose that increase in current. Aise ho gaya. So we can, this means E induced will be negative. Okay. So I'm taking the direction of current as positive. So E induced will be negative. The direction में, ठीक है, and VAB is really positive, right? ऐसे होगा? Sir, VAB positive कैसे हो रहा है? हाँ,
ये आपको सोचना है। सी ए हमारा हायर पोटेंशियल होगा, बी लोअर पोटेंशियल होगा, तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा। यस सर। नाउ इन द थर्ड केस द करंट इज डिक्रीजिंग, सेम डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। ओके सो नाउ ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे सो एज टू इंक्रीज दिस करंट। सो ऐसे इंड्यूस हो गए, दिस इज इंड्यूस्ड। ओके सो यू कैन राइट ई इंड्यूस्ड एज, यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज करंट, राइट। एंड वी ए बी कैन बी रिटन एज नेगेटिव, वाई, बिकॉज ए इज एट लोअर पोटेंशियल, बी इज एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट potential drop across inductor is always equals to minus of A induced. ठीक है, इन्हें कैसे आप देख सकते हैं, provided important चीज़ है, provided direction of current is taken as positive. Direction of current is taken as positive. ठीक है, ऐसा है हमारा, तो ये हो गया हमारा E induced and potential drop, sign convention basically. ठीक है, तो समझ में आ गया एकदम अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है एकदम। समझ में आ गया सबको, कुछ बोले जी? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, और भी कुछ है क्या? ठीक है, और इतना ही है बस। तो ये तो थ्योरी फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास विल सॉल्व द क्लास वर्क प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अभी, मस्त मस्त। ठीक है, तो इतना ही आज के क्लास के लिए बस। सर आप नोट्स भेज देंगे क्या? हाँ भेजेंगे ना, क्यों नहीं भेजेंगे। ठीक है, सर से आधा नोट्स, आप नोट्स अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा, ये सब है। ओके सो विल मीट ऑन फ्राइडे देन, फ्राइडे इवनिंग, हाँ फ्राइडे इवनिंग को मिलेंगे। ठीक है, ओके सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। क्या हो गया? ओके थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्दी हो गया क्लास। ओके।